हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शरद चौहान और आज आपके लिए लेकर आया हूं शॉर्ट ट्रिक का सेशन नंबर 12। और आपने अगर इससे पहले के जो हमारे शॉर्ट ट्रिक के लाइव सेशन हुए थे अभी तक उनको नहीं देखा है तो पहले आप सेशन नंबर 1 से लेकर सेशन नंबर 11 तक सभी सेशंस को अटेंड कर लीजिए। और आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के इस सेशन में, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक के जो हमने लाइव सेशन किए हैं, अपने 11 लाइव सेशन, उनमें हमने कौन कौन से चैप्टर कवर किए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, हमने आपको जो चैप्टर कराया था वो था हमारा प्रोग्रेशन यानी कि सीरीज एंड सीक्वेंस नाम का चैप्टर था, जिसकी शॉर्ट ट्रिक हमने आपको सिखाई थी। उसके बाद जो चैप्टर कवर कराया गया था उसका नाम था पॉइंट्स एंड स्ट्रेट लाइन, ओके। और इसके बाद चैप्टर हमने कराया था लिमिट्स, और लिमिट्स की भी सारी शॉर्ट ट्रिक हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो इस तरह से हमारे टोटल 11 लाइव सेशन हमने कंप्लीट किए थे। अब क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लाइव सेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम जो रहती है कनेक्टिविटी की रहती है, इंटरनेट अगर साथ नहीं देता है तो बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए हमने ये डिसाइड किया था कि हम इन लाइव सेशंस को ओनली सेशन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि शॉर्ट ट्रिक आपको मिलती रहेंगी लेकिन लाइव ना आकर के अलग से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। तो उसी क्रम में आज ये सेशन नंबर 12 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम जो चैप्टर आपके लिए आज स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी शॉर्ट ट्रिक आज ही इसी वीडियो में सभी आपको कंप्लीट करा दी जाएंगी। जितनी भी शॉर्ट ट्रिक है सभी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप पीडीएफ परचेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 9410488119। और इसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 9 के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। जितना जल्दी हो सके आप नए ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नए ग्रुप में स्टार्टिंग से आपको सभी मटेरियल मिलना स्टार्ट होता है। अगर आप किसी पुराने ग्रुप में बीच में जुड़ते हैं तो आपको वो फायदा नहीं मिल पाएगा जो एक नए ग्रुप में मिलता है, ओके। और बैच नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं, 1 फरवरी से इसकी क्लासेस, जो लाइव क्लासेस के थ्रू हम पढ़ाते हैं, वो आपकी चल रही हैं। आप जितना जल्दी हो सके इसी बैच में जुड़ जाइए, क्योंकि नया बैच बनने में बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है कि बाद वाले बैच में आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो पाए। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके बैच नंबर 2 में आप जुड़ जाइए, क्योंकि बैच नंबर 1 तो काफी आगे चला गया है, उसमें जुड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो आई सजेस्ट यू दैट यू शुड ज्वाइन दिस बैच नंबर 2, ओके। फीस वगैरह की डिटेल आपको हमारे व्हाट्सएप से मिल जाएगी, 9410488119 पर आप कॉन्टेक्ट करके सारी डिटेल हमसे ले सकते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। और शॉर्ट ट्रिक की बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप शॉर्ट ट्रिक की बुक परचेज कर लेना, ओके। तो देखिए, शॉर्ट ट्रिक का सेशन नंबर 12 है और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि आपको अभी अभी बताया गया। और आज के इस चैप्टर की सबसे पहली जो शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 है उसे समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है शॉर्ट ट्रिक। लिखा है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर रियल एंड इक्वल, मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर रियल एंड इक्वल हैं, और साथ में ये भी दिया गया हो कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब इस इक्वेशन के जो तीनों ये कॉफिशियंट्स हैं, अगर इन कॉफिशियंट्स का सम भी जीरो हो। देखिए, सबसे पहली बात जो बताई गई वो ये बताई गई कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल होने चाहिए। जैसा आप जानते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो होता है तो तब हम कहते हैं कि रूट्स जो है रियल एंड इक्वल है। तो एक तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ जीरो है ऐसा समझ के चलिए, क्योंकि रूट्स रियल एंड इक्वल बता रखे हैं, ठीक। और साथ में ये भी दिया गया कि कॉफिशियंट्स का सम भी जीरो है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हो। तो अगर ऐसा होता है तो देन के बाद देखिए रिजल्ट क्या है। रिजल्ट हमें ये दिया जा रहा है कि ए और सी उस केस में इक्वल होंगे, मतलब जो फर्स्ट कॉफिशियंट और जो सबसे लास्ट का जो कॉन्स्टेंट वाला होता है टर्म, ये एग्जैक्टली सेम होंगे, ये इसका रिजल्ट होगा। तो चलिए अब इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्वेश्चन में कि कैसे इसका यूज किया जाता है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 ये आपके सामने है। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, यहाँ देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ये है आपकी a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स
प्लस बी माइनस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस कहा है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, ठीक। रियल वर्ड यहाँ नहीं लिखा है बट आप समझ लीजिए कि यहाँ पर वो अंडरस्टूड है कि रियल तो यहाँ रहेगा ही, क्योंकि रूट्स अगर इक्वल दिए हैं तो रियल भी है, मतलब रियल एंड इक्वल ऐसा समझ लीजिए। देन ए बी सी आर इन, तो आपसे ये पूछा गया है कि ए बी सी में आपस में क्या रिलेशन होगा, वो ए पी में होंगे या एचपी में या जीपी में या नन ऑफ दीज। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि हरात्मक श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ओके, तो चार ऑप्शन है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके आपको कंप्लीट करके बताता हूं कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमें यह चेक करना होगा, देखिए पहली बात तो ये कि रियल एंड इक्वल रूट तो यहाँ दिए हुए है ही, एक कंडीशन तो गिवन है। दूसरा ये चेक करना होगा कि इसके जो ये तीनों कॉफिशियंट है क्या इनका सम जीरो है या नहीं है, क्योंकि यही कंडीशन मेन है चेक करना। तो पहला है a माइनस बी और दूसरा है आपका c माइनस ए एंड थर्ड वन इज b माइनस सी। जब हमने इनको तीनों को ऐड किया तो देख लीजिए सभी ये सब जो है कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट हमें जीरो ही मिल जाएगा, मतलब वो कंडीशन जो हमें चाहिए थी वो सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम यहाँ पर जो रिजल्ट वाला होता है वो क्या दिया था, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ए और सी दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ये तीसरा और पहला, जो पहला और तीसरा कॉफिशियंट है ये इक्वल होने चाहिए, मतलब ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू बी माइनस सी। तो यहां से आप देख सकते हैं 2b इक्वल टू ए प्लस सी आपको मिल जाएगा, और आप जानते हैं ये कंडीशन जो होती है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की होती है, मतलब एपी के लिए होती है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होता है, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था देखिए ट्रिक के माध्यम से आपने एकदम से इसको जो है सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड कर लिया है। देखते हैं एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू। इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन है आप पढ़ लीजिए इसको, ए इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। इसके जो रूट्स है वो इक्वल है, फिर से देखिए रियल एंड इक्वल आपको रूट्स दिए गए हैं और पूछा है कि ए बी सी में क्या रिलेशनशिप होगा। ऑप्शन ए ए पी, ऑप्शन बी एच पी, ऑप्शन सी जी पी या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले वही कि रूट्स इक्वल होने चाहिए जो कि ऑलरेडी हैं। दूसरा ये कि जो इसके कॉफिशियंट्स हैं तीनों क्या इनका सम जीरो है या नहीं, तो वो हमें पहले एक बार चेक कर लेना होगा, उसके बाद ही हम अपना ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ए बी माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी, और आप देखेंगे कि ये सभी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी और इनका रिजल्ट जीरो आ गया। इसका मतलब अब मैं यहाँ पर अपनी ट्रिक अप्लाई कर सकता हूँ और ट्रिक के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉफिशियंट एंड द थर्ड कॉफिशियंट शुड बी इक्वल। तो इसका मतलब ए इंटू बी माइनस सी शुड बी इक्वल टू सी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से देखिए अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ए बी माइनस सी ए इक्वल टू सी ए माइनस बी सी। अब आप शिफ्टिंग कर लीजिए और ये आपका बन जाएगा ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू सी ए प्लस सी ए, आपका टू सी ए हो जाएगा और यहाँ आपका बी कॉमन मिल रहा है आपको ए प्लस सी इक्वल टू यहाँ पर टू ए सी आप इसे लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2ac अपॉन a प्लस सी, और आप जानते हैं कि ये कंडीशन किस प्रोग्रेशन के लिए होती है, तो आप सभी को पता है ये आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है, मतलब यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो hp होगा, यानी कि ऑप्शन b आपका एकदम करेक्ट होगा। तो आपने देखा कितनी जल्दी हमने ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट कर लिया, हमने फाइंड कर लिया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अदरवाइज तो देखिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े इक्वेशंस को देखकर ही जो है कैंडिडेट जो है काफी डर जाते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना, इनसे डरना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन हो या कैसा भी हो, अगर शॉर्ट ट्रिक हमें मिल जाती है या हमें टाइम पर याद आ जाती है तो हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी कम से कम टाइम में शॉर्ट आउट करके और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रिक नंबर टू को देखते हैं। क्या है सेकंड ट्रिक, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी जब हमने ये लाइव सेशन स्टार्ट किए थे तब आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक आपका बैलेंसिंग मेथड जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं,
ये दो मेथड ऐसे हैं, इतने कॉमन हैं कि लगभग सभी चैप्टर्स में, सभी टॉपिक्स में इनको यूज किया जा सकता है शॉर्ट ट्रिक के रूप में। तो चलिए समझते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर वन को समझने की कोशिश करेंगे। इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, पॉजिटिव होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये ए बी सी जो है तीनों, ये आपके डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं और पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और सच दैट इस तरह से है कि बी इंटू ए प्लस सी इक्वल टू टू ए सी। तो मैं इसको देखिए यहाँ लिख देता हूँ एक बार, इसको कन्वर्ट करके देखिए, आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि ए बी सी जो है वो मेरे इस टाइम एच पी में है, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। पहली बात तो ये, चलिए आगे पढ़ते हैं। देन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ ए है, यहाँ टू बी है, यहाँ सी है। तो इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है कि जो ये इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। ऑप्शन ए रियल एंड इक्वल होंगे, ऑप्शन बी रियल एंड डिफरेंट होंगे, या ऑप्शन सी इमेजिनरी होंगे, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमें ये बताना है। तो चलिए हम जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने आपको बताया अभी, जिसका नाम आपको बताया गया है, उसको किस तरह से यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए, जब हमें पता लग गया कि यहाँ ए बी सी तीन नंबर ये एच पी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो अब आप एक काम क्यों नहीं करते कि यहाँ पर ए बी सी की कुछ ऐसी वैल्यू सपोज कर लीजिए अपनी तरफ से जो एच पी में हो, जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रही हो। तो देखिए, ज्यादा बड़े नंबर तो आपको लेने नहीं चाहिए, ये मैं सजेस्ट करूंगा आपको, जब आप शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं और आपको कोई तीन नंबर ऐसे लेने हैं जो एच पी में हो, जो एच पी बना रहे हो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हो, हरात्मक श्रेणी बना रहे हो, तो आप छोटे से छोटे कोई नंबर लीजिए। मान लीजिए मैंने ए की वैल्यू टू ले ली है, बी की वैल्यू थ्री और सी की वैल्यू सिक्स, तो ये तीनों नंबर देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब इन तीनों नंबर्स को अपनी इस दी गई इक्वेशन में रिप्लेस कर देता हूं। तो यहां पे जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो था, तो यहाँ ए बी सी की वैल्यू जो मैंने सपोज की है वो मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ। तो मेरी इक्वेशन देखिए अब ऐसी बन जाएगी, टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बन जाएगा सिक्स एक्स और यहाँ पर आ जाएगा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, अब मुझे ये चेक करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है, नेचर ही तो फाइंड करने को कहा है। तो अब आप देख लीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो होता है आपका वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। तो इसमें मैं रख देता हूँ सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस फोर टू जा एट एंड एट सिक्स जा हो जाएगा फोर्टी एट, इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कुल मिला के आपका माइनस ट्वेल्व आएगा, जो कि लेस देन जीरो है, मतलब निगेटिव है। और जब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है, तो रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स का नेचर कैसा होता है, वो होता है इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक शून्यक उसके होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर काल्पनिक मूल जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, इमेजिनरी रूट्स आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो गया है। एग्जाम्पल वन था ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर टू। एग्जाम्पल नंबर टू को पढ़िए। इफ टेन ए एंड टेन बी आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यहाँ पर इस इक्वेशन के ये रूट्स बताए जा रहे हैं, देन साइन स्क्वायर ए प्लस बी प्लस ए साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस बी, ये पूरा ए की टर्म है, प्लस बी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी विल बी इक्वल टू वॉट। तो आपको ये बताना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन ए ए अपॉन बी, ऑप्शन बी बी अपॉन ए, ऑप्शन सी ए, या फिर ऑप्शन डी बी। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम क्या करते हैं, ये जो टेन ए और टेन बी है, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, तो हम देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए और बी के कोई भी एंगल यहाँ सपोज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ए को सपोज कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एंगल आप सपोज कर लीजिए, लेकिन मैंने जैसे बताया कि ट्रिक से आप करना चाह रहे हैं तो छोटे से छोटे एंगल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल ही ले लीजिएगा। मान लीजिए ए को मैंने 30 डिग्री ले लिया है और बी को सपोज 60 डिग्री ले लिया है, तो आप बताइए जो टेन ए था वो अब टेन 30 के अकॉर्डिंग 1 अपॉन रूट 3 बन जाएगा, और टेन बी जो दूसरा रूट मुझे बताया गया है उस टेन 60 जब इसमें रखूंगा तो वो रूट 3 बन जाएगा।
अब ये इक्वेशन मेरे पास है, इस इक्वेशन के ये रूट थे, तो सबसे पहले अगर मुझे इन दोनों रूट्स, अब तो मेरे रूट्स ये हो गए ना 1/√3 और √3, तो अब इन दोनों रूट्स को यूज करते हुए अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ तो बताइए कैसे बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का सिंपल सा तरीका होता है कि यहाँ पर हम x square minus sum of roots into x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यूज करते हुए हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं सम ऑफ रूट्स करूंगा तो 1/√3 और √3 को जब ऐड करेंगे और एलसीएम लेंगे तो ये 4/√3 बन जाएगा, और यहाँ पर हमें करना है इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट करके तो मुझे बस 1 मिलेगा क्योंकि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब मेरी इक्वेशन बन गई, ओरिजिनल इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ से देखिए मुझे a की जो वैल्यू मिलेगी स्मॉल a की, तो वो तो मिल जाएगी देखिए -4/√3, और स्मॉल b की वैल्यू की बात करें तो वो वैल्यू 1 मिल जाएगी। पता है ना कहाँ से मिल रही है ये वैल्यू, जो हमें ये इक्वेशन दी गई थी। यहाँ पर देखिए ये ax लिखा हुआ था, यहाँ पर b लिखा हुआ, तो हमने यहाँ पे इनको कंपेयर कर लिया है, तो वहां से a और b की वैल्यू हमें ये दोनों मिल गई है। अब ये जो a और b की वैल्यू मिली है, ये वैल्यूज आपको अपने दिए गए एक्सप्रेशन में रिप्लेस करनी होंगी, और जब आप इसमें ये रिप्लेस करेंगे तब जाके आपको आपका रिजल्ट जो है मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो a लिखा है और यहाँ पर ये b लिखा है, यहाँ पर आप इन दोनों वैल्यूज को रिप्लेस कीजिए, और रिप्लेस करके इसे सिंप्लीफाई करने की जब कोशिश करेंगे इस एक्सप्रेशन को, पूरा एक्सप्रेशन देखिए यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक है। देखिए सबसे पहले जब मैं यहाँ a की वैल्यू रखूंगा -4/√3, और साथ में कैपिटल a और कैपिटल b की वैल्यू जो कि हमने 30 और 60 सपोज की हुई थी वो यहाँ पर रख देंगे, तो ये sin 90 cos 90 बन जाएगा। और रही बात फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की, ये जो sin² a + b है और ये cos² a + b है, इन दोनों का सम 1 हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी होती है sin²θ + cos²θ = 1 होता है, तो ये तो आपका 1 बन गया। रही बात इस b की, ये b तो पहले ही 1 हो गया ना, यहाँ से देखो आप, ये इसकी वजह से, क्योंकि हमने a की वैल्यू भी रखनी है और b की वैल्यू भी रखनी है। ओके, तो इस तरह से आप बढ़ेंगे तो ये तो देखिए 0 हो गया cos 90 की वजह से, और प्लस 1, कुल मिला के वैल्यू 1 आ गई। और असल में 1 की जगह आप b लिख सकते हैं क्योंकि ये देखिए b की जो वैल्यू है वो 1 है, तो आप 1 लिखें या b लिखें आपका आंसर ये हो जाएगा, 1 भी इसका आंसर हो सकता है या 1 क्योंकि b की वैल्यू है इसलिए b इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगी यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगी एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2, और आपकी ट्रिक नंबर 2 यहाँ पर एंड होती है। अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक नंबर 3 की, यानी कि थर्ड शॉर्ट ट्रिक, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड बैलेंसिंग। सब्स्टिट्यूशन और बैलेंसिंग का कॉम्बिनेशन, जिसे हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कह सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप ठीक से सुनिए और समझिए। If one root, एक रूट की इंफॉर्मेशन दी जा रही है, if one root of this equation is square of other, मतलब एक रूट जो है वो दूसरे रूट का स्क्वायर है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है आपसे, ठीक। और आपसे इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट करने को कहा है कि बताइए p और q के बारे में, ये देखिए p यहाँ पर है, q यहाँ पर है, इन दोनों p और q के बारे में कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पर करेक्ट होगा, ये हमें चेक करना है। तो जैसा हमने बताया मेथड का नाम है क्या, सब्स्टिट्यूशन एंड बैलेंसिंग, हिट एंड ट्रायल भी इसमें यूज किया जाएगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो हम यहाँ पर अल्फा और बीटा के बारे में कुछ सपोज कर लेते हैं कि जो अल्फा और बीटा यहाँ रूट्स की बात बताई जा रही है, और ये बताया गया था कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन ऐसा कीजिए जो सबसे छोटा हो, सबसे ईजी हो, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 1 और 1 ही ले लेता हूँ, क्योंकि 1 1 का स्क्वायर भी होता है, इससे आसान तो देखिए कुछ नहीं रहेगा। जब आपको अपने पास से ही सब्स्टिट्यूट करना है तो फिर मुश्किल चीजें क्यों लेनी है, आसान लीजिए ना। तो देखिए मैंने आसान से आसान लिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पर इसकी इज्जत भी रह गई क्वेश्चन की, स्टेटमेंट की, स्टेटमेंट ने यही तो कहा था कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो मैंने ले लिया 1 और 1, यानी कि 1 का स्क्वायर दूसरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपनी इक्वेशन जो दी हुई थी ये वाली, इस इक्वेशन में जब ये रूट्स आप रखेंगे तो बताइए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी। इक्वेशन ऐसे बनती है, यहाँ पर सम ऑफ रूट्स होता है, यहाँ प्लस, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो आप इक्वेशन जब बनाएंगे तो आपकी इक्वेशन देखिए ये बन जाएगी x² - 2x + 1 = 0, और यहां से अब आप जब उस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके देखिए p की वैल्यू आपको मिल रही है -2 और q की वैल्यू आपको मिल रही है 1। तो आपने p और q यहां पर इवेल्युएट कर लिया, फिलहाल ये आपका p है
और ये आपका Q है। अब आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल यानी कि बैलेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शंस में चेक करना होगा कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो इन दोनों वैल्यूज के साथ सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे पहले मान लीजिए ऑप्शन ए को चेक करेंगे, अगर ऑप्शन ए सेटिस्फाई करती है तो ठीक, वरना तो ऑप्शन बी को चेक करेंगे, फिर सी को और फिर डी को। जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए हम ऑप्शन ए को चेक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में रख रहा हूँ मैं ऑप्शन ए में, तो यहाँ पी की जगह पर माइनस टू रखा तो माइनस एट बन गया, यहाँ माइनस वन इंटू माइनस सिक्स माइनस वन प्लस वन का स्क्वायर वन हो गया, राइट साइड में जीरो है। तो कुल मिलाकर के माइनस एट और ये प्लस सेवन प्लस वन इक्वल टू जीरो, और आप ध्यान से देखो ये माइनस एट प्लस एट इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो। चलिए अच्छी बात है कि पहली ऑप्शन ही हमें मिल गई है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड इसको आप कह सकते हैं, जिसका नाम मैं बैलेंसिंग मेथड भी बोल रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो गया है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शॉर्ट ट्रिक चल रही है, आज ये सेशन नंबर 12 है आपका, और तीसरी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम एग्जांपल नंबर 2 को आप समझने की कोशिश करेंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी, आपको इस ऊपर वाली इक्वेशन के रूट्स बताए गए हैं अल्फा एंड बीटा, और इस नीचे वाली इक्वेशन के रूट्स का सम आपसे पूछा गया है, योगफल आपसे पूछा गया है, मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योगफल आपको बताना है नीचे वाली इक्वेशन का। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए बी सी डी चारों ऑप्शन हैं। चलिए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड जो आपका है सब्स्टिट्यूशन और बैलेंसिंग, जिसे आप हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अल्फा एंड बीटा को कुछ आप सपोज करेंगे अपने पास से, तो छोटे से छोटे नंबर, चलिए मैं यहाँ पर देखिए और तो कुछ नहीं बताया था तो मुझे डिफरेंट नंबर ही लेने चाहिए, एक को वन ले लिया तो दूसरे को टू ले लेता हूँ। अब जो इक्वेशन बनाऊंगा तो इक्वेशन जैसे अभी हम बना रहे हैं, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन देखिए बन के तैयार हो गई है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब आप इस इक्वेशन को उस ऊपर वाली दी गई इक्वेशन से जब आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके आपको ए की वैल्यू 1 मिलेगी, बी की वैल्यू माइनस 3 मिलेगी और सी की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक, अब आप क्या कीजिए, ये जो ए बी सी आपको मिल गए हैं, ये ए बी सी, अब आप अपनी उस इक्वेशन में रखिए जिस इक्वेशन के रूट्स का सम आपसे मांगा जा रहा है। ठीक, तो इस इक्वेशन में जब आप इसको रख देंगे ए बी सी को, तो आपकी इक्वेशन देखिए ये बन जाएगी, यहाँ पर तो वन का स्क्वायर वन ही रहेगा और प्लस यहाँ थ्री का स्क्वायर नाइन, माइनस टू ए सी जब आप करेंगे तो यहाँ फोर आ जाएगा, उसके बाद एक्स प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा नाइन, और फोर ए सी करने पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा एट इक्वल टू जीरो। तो कुल मिलाकर आपकी इक्वेशन जो बनी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई, जो कि पहले ऐसी दिख रही थी, अब देखिए ऐसी हो गई है। ठीक, अब आपको इस इक्वेशन के रूट्स का सम बताना है बस, है ना, और वो भी अल्फा बीटा की टर्म में बताना है। तो पहले आप सम ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला जो लगाते हैं माइनस बी अपॉन ए, उसे लगाइए, तो यहां से आपको माइनस फाइव अपॉन वन, मतलब सम जो आ गया माइनस फाइव आ गया। तो वैसे तो आपको सम मिल चुका है, लेकिन ये सम जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो आपको चाहिए अल्फा और बीटा की फॉर्म में। तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल बैलेंसिंग चेक करनी होगी कि क्या ऑप्शन ए सही होती है या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो पहले मैं नंबर लगाता हूँ ऑप्शन ए का, सबसे पहले ऑप्शन ए को ही चेक करेंगे, वन बाई वन देखिए हमें चेक करना होगा और एक एक करके हम देखते जाएंगे कि कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो सेटिस्फाई करके वैल्यू माइनस फाइव दे रही है। तो चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम आपका बचा देता हूँ, वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो। तो एक एक करके जब आप इन सभी ऑप्शन को चेक करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज करते हुए, तो अब लास्ट वाली ऑप्शन आपको सेटिस्फाई कर देगी, ऑप्शन डी। देखिए मैं रख के दिखाता हूँ, ऑप्शन डी में रख देता हूँ। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू जो मैंने ली थी वो वन ली थी और बीटा की टू ली थी, तो इसमें रखेंगे वन का स्क्वायर और टू का स्क्वायर, तो कुल मिला के देखिए मुझे माइनस फाइव ही मिलेगा, और जो कि यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर टू यानी कि एग्जाम्पल टू जो था हमारा शॉर्ट ट्रिक नंबर थ्री का, ये हमारा ऐसे कम्प्लीट हो जाता है। तो आई होप गाइस कि आज के सेशन में आपको जितने भी एग्जाम्पल मैंने कराए हैं और तीनों शॉर्ट ट्रिक इस चैप्टर की आपको समझाई हैं, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। चैप्टर था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जिसकी सभी शॉर्ट ट्रिक आज के इस सेशन नंबर 12 में मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं।
अब जल्दी ही आपसे फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन नंबर 13 में, जिसमें एक और नए चैप्टर की शॉर्ट ट्रिक के साथ आपसे जल्दी ही मिलूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।